नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं IEPS RRB के जो एग्ज़ाम होता है क्लर्क का, उसके जो क्वेश्चन थे कुछ मैथ्स के क्वांट के, वो डिस्कस करूंगा, जो मिसलिनियस क्वेश्चन थे। और जो मिसलिनियस क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा ईजी थे। अगर आपकी प्रैक्टिस अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी है, अगर आपको ट्रिक्स पता है, तो आप विद इन 10 सेकेंड्स उन क्वेश्चन को कर सकते थे। तो मैथ्स में उन्हीं लोगों ने पूरे पूरे अटैम्प्ट करे हैं जिन्होंने मिसलिनियस पूरे करे हो। मिसलिनियस ज़्यादा लेवल टफ नहीं था। तो अगर आपका एग्ज़ाम कल है तो आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए पूरा, जो 10 ही क्वेश्चंस अभी मैंने इस बारे में डिस्कस करे हैं। और आप इस वीडियो में उन क्वेश्चंस की ट्रिक्स देखिएगा, आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसा है। और देखिए, बैंक के एग्ज़ाम का ये होता है कि अगर एक शिफ्ट में अगर कोई एग्ज़ाम कोई क्वेश्चन जैसे आ रहा है, तो थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके मिसलिनियस लगभग वही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप इस वीडियो को देख के बताइएगा मुझे कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उसको भी मैं बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन था, द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 18 किलोमीटर पर आर विच इज़ 500% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 आवर्स वाइल ट्रेवलिंग इन डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जो है स्पीड हमें दे रखी है, मतलब जो ऊपर वाली जो धारा है नाव विपरीत दिशा में जाती है, तो 18 किलोमीटर पर आर दे रखी है और 500% ज़्यादा है। तो हमने मान लिया एक्स माइनस वाई, एक्स मान ली हमने नाव की जो चाल है और वाई मान ली जो धारा है उसकी चाल है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 18। अब देखिए, कह रहा है कि जो स्पीड है वो 500% मोर देन है। तो अगर वाई हमने मतलब मान ली धारा की चाल अगर एक है, तो एक का 500% कितना होगा? एक का 500% ज़्यादा, मतलब 500% 5 होगा, तो एक का 500% ज़्यादा हो जाएगा 6। अब 6 की वैल्यू दे रखी है 18, यानी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, यानी हमें धारा की चाल मिल गई 3। अब वाई बराबर अगर मतलब 3 है, वाई बराबर 3 है, तो हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 21 हो जाएगा, क्योंकि 18 + 3 21। अब वो कह रहा है कि जब धारा के हम दिशा में जाएंगे तो 3 घंटे में कितना चलेंगे? तो धारा की विपरीत दिशा में तो एक्स माइनस वाई होता है, धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई। तो 18 21 + 3 यानी 24। तो 24 हमारी स्पीड आ गई और 3 घंटे में कितना चलेगा? 24 3 72। तो ये मैं समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा है टाइम, वरना ये 10 से 15 सेकेंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू डू द सेम वर्क इन 5:3। मतलब अगर ए 5 दिन ले रहा है तो बी 3 दिन ले रहा है, अगर ए 50 दिन ले रहा है तो बी 30 दिन ले रहा है। तो ये रेशियो दे रखा है, लेकिन कह रहा है कि ए जो है वो 40 डेज ले रहा है, यानी जो 5 ए 40 के इक्वल है, यानी 1 = 8 के, और उसका दूसरे वाला का टाइम क्या है? बी का है, वो 3 है, तो 3 = 24 के। तो क्वेश्चन हमारा यहीं से बन गया कि ए हमारा जो कर रहा है वो 40 दिन में कर रहा है, बी हमारा 24 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क आप एलसीएम ले लो तो 120 हो गया। तो 40 थे 120 और 24 = 120, और 5 दिन कितना होता है? 8, 120 में 8 भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। यानी दोनों मिलेंगे अगर काम करेंगे तो उसको काम को कितने दिन में लगेगा? 15 दिन लगेगा उस काम को करने में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, अ ट्रेन हैविंग स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आर क्रॉसेज अ पोल इन 18 सेकेंड एंड अ प्लेटफॉर्म इन 33 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं आप ये गारंटी कह सकता हूँ आपने जिस तरीके से किया होगा उससे थोड़ा सा ये लेंथी होगा, आपका जो तरीका होगा वो लेंथी होगा। मेरी आप ट्रिक देखिएगा कि कितने आप शॉर्ट अप्रोच में, ये क्वेश्चन ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है केवल। देखिए, 72 किलोमीटर पर आर, इसको अगर मैं चेंज करूँगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि देखो जो आंसर दे रखे थे ऑप्शंस तो सारे मीटर में थे, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 5/18 करेंगे 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, समझिए ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, पोल को 18 सेकंड में पार कर रहा है, तो पोल को अगर 18 सेकंड में पार कर रहा है, यानी पोल को जब पार करे तो अपनी डिस्टेंस पार करेगा ट्रेन, और प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर रही है। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर कर रही होगी। तो जो 18 से जो 33 सेकंड हो गए, यानी जो 15 सेकंड जो एक्स्ट्रा लगे हैं, ये 15 सेकंड क्यों एक्स्ट्रा लगे हैं? ये 15 सेकंड लगे हैं उस प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए। तो हमारी स्पीड है 20 और 15 सेकंड हमने मान लिए, तो जो प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए, तो 20 × 15 यानी 300 मीटर का हमारा प्लेटफॉर्म था। बस ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 66 सेंटीमीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो 2 πr = 66 दे रखा है, तो 2 π, π की वैल्यू 22/7।
आर इक्वल्स टू 66, आर की वैल्यू 21/2 आ गया। अब कह रहा है जो तो रेडियस था वो स्क्वायर के साइड के 2 टाइम्स था, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई टू। तो आर बाई टू क्या है, 21/2/2, मतलब 21/4। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21/4 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441 और अपॉन 16 डिवाइड करोगे तो देखिए एक ही ऑप्शन है, पहला एक बार करोगे 2 और फिर दूसरी बार 7 टाइम्स जाएगा तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा। अब एक ही ऑप्शन है, 28 आपका लगभग, तो आपका आंसर हो जाएगा। इसको फिर सॉल्व करके आगे चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एट ₹120। अब देखिए 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर 20% प्रॉफिट होता है तो 1/5, और 5 अगर सीपी होता तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसमें कह रहा है 20% डिस्काउंट यानी 1/5, अगर 5 हमारी एमपी है मार्क प्राइस तो 1 का डिस्काउंट हो रहा है यानी एसपी हमारी क्या रही होगी, 4। तो 4 बराबर 1020 दे रखा है, 1 बराबर क्या हो जाएगा 255, और हमें एमपी निकालना है तो एमपी क्या हो जाएगा 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 1275। अब कह रहा है कि अगर ₹199 का डिस्काउंट दिया जाए यानी 1275, तो एमपी आपने निकाल ली, आपने एमपी निकाल ली 1275, और फिर अब डिस्काउंट दे रहा है 199, तो 1275 में सीधे आप 200 माइनस करो और फिर 1 माइनस कर देना, मतलब 1 जोड़ देना, तो आपका कितना आ जाएगा 1076। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहे टोटल एज ऑफ ए बी एंड सी 4 ईयर्स हैंस विल बी 98 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ सी 4 ईयर्स हैंस इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 32 और 23। तो देखिए प्रेजेंट एज उनका क्या हो जाएगा, देखिए 4 साल बाद उनकी इतनी है 98, तो अभी तो क्या होगा, सब में 4 हज़ार कम होंगे यानी सब में 12 साल कम होंगे, तो 12 साल कम होंगे तो 98 माइनस 12 यानी 86, यानी 86 ईयर्स के ये लोग अभी हैं। अब क्या है, अभी हैं 86 के तीनों मिला के, और 2 की हमें एज दे रखी 32 और 23, तो दोनों का सम कितना हो गया 55। तो 86 में हमने 55 माइनस कर दिया यानी हमारे बचा कितना 31, तो 31 तो अभी प्रेजेंट एज है, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी 35 ईयर्स। तो ये सॉल्व हो जाएगा, कोई क्वेश्चन है ही नहीं। आप मैं बताता रहा हूँ पेपर इस बार बहुत ईजी आ रहे हैं, आप अगर थोड़ा बहुत भी, अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर लेना तो मैथ्स में तो मैं आपको शर्त लगा कह सकता हूँ 40 आउट ऑफ 40 पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई कहीं बिना डाउट के। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए इन्वेस्ट ₹12,000 फॉर एक्स मंथ्स वाइल बी इन्वेस्ट 16,000 फॉर 9 मंथ्स इन अ स्कीम, द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 12,000 और 21,000 में से 12,000 लिए, तो एक्स का हमें बताना है कि कितने महीने के लिए उसने लगाया था जो ए था। तो देखिए जो तरीका है वो तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के समझा दिया है, आप लोग मतलब सॉल्व कर सकते हो। 12,000 को एक्स मान लिया, एक्स महीने तक लगाया, और 16,000 ने 9, जिस अनुपात में, जिस रेशियो में ये लोग पैसा लगाते हैं उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट भी मिलता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। देखिए 12,000 बी का प्रॉफिट है तो ए का प्रॉफिट कितना होगा 9,000, तो 9,000 और 12,000 कितना होगा, अगर रेशियो की बात करूँ तो 3:4, 9,000 और 12,000 3:4। अच्छा इन्होंने पैसे, अब ध्यान दो तो पैसे भी इन्होंने 3:4 में लगाए हैं, तो जिस अनुपात में पैसे लगाए हैं उसी अनुपात में इनको प्रॉफिट भी मिल रहा है, यानी इनका टाइम सेम होगा। तो अगर बी ने 9 मंथ के लिए लगाया यानी ए ने भी 9 मंथ के लिए लगाया होगा, आप इससे भी कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 60% मिल्क एंड रिमेनिंग वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन परसेंटेज इन मिक्सचर टू रिवर्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर। इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चों ने छोड़ दिया, मुझे बहुत से बच्चों ने बताया था। तो देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए सिंपल, आप दो तरीके से, वैसे एक एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें केवल 2 ही तरीके आपको बताया। देखिए 100 लीटर मैंने इनिशियल मिक्सचर मान लिया, आप पहला मेथड देखिए, 100 लीटर मैंने इनिशियल मिक्सचर मान लिया तो उसमें 60 लीटर होगा मिल्क और 40 होगा वाटर, और 3 और 2 के अनुपात में यानी बाद में जब हम कुछ मिलाएंगे पानी तो ये अनुपात हो जाएगा 2:3। तो हमने इधर अब देखिए 60 हमने मिल्क मान लिया, 40 हमने वाटर मान लिया, हमने मान लिया कि एक्स लीटर हमने पानी मिलाया है, तो पानी अब क्या हो गया 40+x, और मिल्क तो हमारा 60 ही है, तो ये करने से रेशियो चेंज हो गया, रेशियो क्या हो गया 2:3, पहले 3:2 था अब 2:3 हो गया। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 50। तो 50 वाटर हमने मिलाया है, और हमारा टोटल इनिशियल मिक्सचर कितना था 100, तो अगर 100 पे अगर 50 मिला रहे हो तो कितना आपने मिलाया है 50%। ठीक है, सिंपल ये है। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में क्या है, देखिए 3:2 स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का रेशियो, बाद में कितना हो गया 2:3 हो गया। तो देखिए बाद में केवल वाटर ही तो मिलाया यानी मिल्क उतना ही रहना चाहिए था, तो मिल्क पहले अगर 3 है तो बाद में भी 3 होना चाहिए था, तो हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके बराबर कर लेंगे। तो देखिए ऊपर वाली इक्वेशन मैंने 2 से गुणा कर दी, तो क्या हो जाएगा 6:4,
और नीचे वाले में 3 से गुणा कर दी, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 6:9। तो अब मिल्क बराबर हो गया, अब हमें केवल पानी मिलाना था, तो पानी क्या हो गया 4 से 9 हो गया। तो पानी जब 4 से 9 हो गया यानी कितना हमने मिलाया है, 5 लीटर मिलाया है। तो जब 5 लीटर मिलाया है तो हमारा इनिशियल मिक्सचर कितना था, 6 और 4 10। तो 10 पे अगर 5 लीटर मिलाया है आपने तो कितना मिलाया आपने, 50%। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बताइएगा, तो फिर मैं समझाता हूँ फिर से दोबारा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। तो आप इसको एक बार फिर से पॉज करके एक बार समझिएगा, तो ये इजीली है, दोनों मेथड बहुत इजी हैं। एलिगेशन वाला इससे भी टफ है, तो थोड़ा सा उसमें और कॉन्सेप्चुअल था, तो अभी एलिगेशन आपका बहुत बेसिक स्ट्रांग हुआ तो आप उसको कर सकते हो, तो एलिगेशन से भी हो सकता था ये क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 8%। अब देखिए 2 साल के लिए 8% अगर ब्याज की दर से है तो 16% मिलेगा ब्याज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि लेस देन 225 लेस देन सी आई ऑन द सेम सम फॉर 2 ईयर्स एंड। अब देखो 2 साल के लिए अगर 10% सी आई है तो 10 + 10 और +10 × 10/100 यानी 21% आपको ब्याज मिलेगा। तो एस आई पे 16% मिल रहा है, सी आई पे 21% मिल रहा है, यानी सी आई पे कितना ज़्यादा मिल रहा है, 5%। अब उस 5% की वैल्यू क्या है, 225, तो 5% 225 के बराबर है, 1% क्या होगा 225/5 यानी 45 के, और 100% क्या होगा 100 से गुणा कर दो यानी 4500, यानी 4500 वो सम होगा। आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना इजी है। 10वां क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 252। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 42, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ देखिए आप एक तो या तो सिंपल मेथड से कर सकते हैं, जो दोनों को जोड़िए और दोनों को हटाइए आप उससे ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूँ, तरीके थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए सम कितना था 42, तो उनका माइनस कितना था 6, तो जो भी माइनस वाला टर्म है उसे माइनस कर दीजिए, तो 42 में मैं 6 माइनस कर दिए 36। अब जो भी वैल्यू है उसको बराबर बांट दीजिए यानी 18 और 18। अब जो घटाया था आपने वो 1 में जोड़ दो, तो 18 6 24, तो 24 और 18 ये पार्ट आ गए। अब ये चीज़ आप माइंड में भी कर सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करिए। अच्छा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, या केसलेट डीआई हुआ या और कोई भी हुआ क्वांट या रीजनिंग से किसी से रिलेटेड, अगर किसी में भी आपको प्रॉब्लम है आईयूपीएस पीओ को लेके या किसी भी बैंक्स के अदर एग्जाम्स को लेके, मतलब अभी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे, अभी मेंस के लिए कई चीज़ें आएंगी, क्योंकि अभी तो प्री का था तो इसलिए लेवल थोड़ा सा कम था। अभी जब मेंस के हम एग्ज़ाम की बात करेंगे, जब आरआरबी क्लर्क की बात करें, आरआरबी पीओ की बात करें, तो एग्ज़ाम का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, वहाँ पे इतने इजी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो वही है कि प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट है उसे पूछिए और मैं क्लियर करते रहूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।